तिसती महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते है तुझ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाए। मेरा चरवाहा
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपका आज के इस शुभ संदेश चैनल के द्वारा जीवन जल में बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन लेकर सुसमाचार और सुशिक्षण जो बाइबल से हमें प्राप्त होता है, इसका अध्ययन करते हुए क्या मैं आपका ध्यान आज उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ने के लिए ले लूँ। उत्पत्ति 2:16-17 जहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। हमने जो अध्ययन जारी करते हुए आज इस 9वें संदेश में हम आए हैं, जिसका शीर्षक है मंडली की महानता और उसका महत्व, कलेसिया चर्च, इसके जो सच्चाइयों को कुरिन्थियों के विश्वासी को पौलुस लिखते वक्त उनको कहते हैं, आपकी सारी समस्याओं का हल एक विशेष प्रेरणादायक संदेश में, तुम परमेश्वर की खेती वाटिका या बगीचा हो, ई आर द गार्डन ऑफ द लॉर्ड, ई आर हस्बेंड्री ऑफ द लॉर्ड, यू आर गॉड्स हस्बेंड्री। इन विषयों को चर्चा करते वक्त कलेसिया को एक हाथ में और अदेन की वाटिका दूसरे हाथ में, इन दोनों की तुलना करके जो 10 नियम हम सीख रहे हैं उसके अगले इस भाग में आज हम ये 16 और 17 पद पढ़ने के बाद उस वाटिका में जो 6 बातें हमने देखी, आज उसकी 7वीं बात का दर्शन हमें यहाँ मिलता है। द प्रिसेप्ट्स इन द गार्डन, वाटिका में परमेश्वर का वचन। आपने पढ़ा यहोवा परमेश्वर ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आदम को कहा नहीं, बोला नहीं, आदम को यह आज्ञा दी। मेरे प्रियो, वाटिका में यद्यपि परमेश्वर की वाणी सुनाई गई, यद्यपि परमेश्वर का आवाज़ सुनाई दिया, यद्यपि परमेश्वर मनुष्य के साथ बोला, याद रखना वही परमेश्वर कलेसिया में भी अपने पवित्र वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने प्रचारकों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, शिक्षण के द्वारा हमेशा हमसे बात करना चाहते हैं। देखिएगा, जब कभी परमेश्वर ने बोलना प्रारंभ किया, लिखा है और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, जो कुछ आए बस परमेश्वर की आज्ञा मानकर स्वीकार करें। परमेश्वर की आज्ञा क्यों? क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए है। आप किसी भी आज्ञा को देखिएगा, आधा भाग आज्ञा का है और अगला आधा हिस्सा आशीष का है। यदि आशीष हमारे जीवन में हम अनुभव करना चाहते हैं तो आज्ञा जानना, आज्ञा मानना, उसका पालन करना कितना अनिवार्य है। आज कलेसिया में वचन का शिक्षण होना कितना जरूरी है। असेंबली इज द प्लेस ऑफ प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कलेसिया परमेश्वर के वचन का प्रचार और उसका अनुकरण करने की जगह, स्थान होता है। इसका स्थान कभी कम नहीं होने देना। जहां पर यह कम हो गया, हम उस आशीष से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, इसी विषय को कुरिन्थियों को बताते वक्त वहाँ पर भी इतनी सारी कमी घटियाँ इस वचन के और परमेश्वर की बातों को लेकर जो कलेसिया में होना चाहिए, रुकावट आने के कारण इतनी समस्याएं खड़ी हुई करके हम देखते हैं। देखिएगा, परमेश्वर का वचन कलेसिया में हो और उसको ध्यान से यदि सुनना है तो वचन का परमेश्वर, उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। अक्सर जब हम वचन सुनते हैं किसी व्यक्ति के मुंह के द्वारा, तो हमें हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाने के बजाय
उस व्यक्ति की ओर जाता है, उस मनुष्य की ओर जाता है, उस प्रचारक की ओर जाता है, उस आदमी मनुष्य जो है उनके तौर तरीके, उनके बोलने के ढंग, उनके प्रचार करने का जो तरीका है उसकी ओर हम खींचे जाते हैं। इसलिए कितने सारे जो आज वचन सुनने को बैठते हैं, किस प्रकार से वचन सुनना चाहिए ये एक अलग सबक सीखना कितना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, वचन जब भी हम सुने, वचन के परमेश्वर को हम सुने, वो परमेश्वर के द्वारा ये वचन हमारे पास आता है। इसलिए ये वचन का स्वातंत्र, वचन की सीख, वचन का सिद्धांत स्थानिक कलीसिया में प्रचार का जगह हो, ये हमें दिखाई देता है। यदि आप इस वचन का महत्व समझना चाहते हैं तो व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। बहुत सुंदर है। यदि तू परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनेगा और चौकसी से करने के लिए चित्त लगाकर सुनेगा और चौकसी से पूरी करने के लिए अपने मन को ठान लेगा तो क्या होगा? ये सारी आशीषें, आप इस अध्याय को पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 28। इस अध्याय को पढ़ते वक्त पहले 14 पदों में इतने आशीषों का वर्णन किया है। यदि हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर, मानकर उसको पालन करें तो ये आशीषें हमारे जीवन का अनुभव हो सकता है। यदि सुनकर अनसुना करें, जानकर अनजान बने, मेरे प्रियो समझकर ना समझ बने, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे, उसका परिणाम भी बताया है। उसी अध्याय के 15 पद से लेकर आखिरी तक आप पढ़कर देखिएगा। इसका मतलब क्या? केवल 14 वचन आज्ञा मानने की आशीषों को बताने के लिए, लेकिन 53 वचन 15 पद से लेकर आखिरी तक आज्ञा न मानने का परिणाम क्या होता है, पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज इस परमेश्वर की वाणी को जो कलीसिया में, घर में, जीवन में हमेशा हमें होना चाहिए, ये ना होने के कारण कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है। यहोशू को मूसा ने जब अपने पश्चात इसराइल लोगों को कनान देश में ले जाने की जिम्मेवारी सौंपी थी, वो पूरी करने का एक तरीका जब बताया, मूसा तो अब उस जगह पर नहीं जा पाने वाले थे, अब ये जिम्मेवारी यहोशू के ऊपर डाली, तो यहोशू को कौन सी कुंजी दी? What is the key to success? What is the key to blessing? ये कौन सी कुंजी है? आप देखेगा यहोशू की किताब 1 अध्याय और 7वें पद से लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सबके अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्या ये आशीष आप चाहते हैं? बस एक काम है, यश प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, मन कच्चा ना होने के लिए, भय निकल जाने के लिए, मन में हियाव बांधने के लिए, दृढ़ बनने के लिए, मेरे प्रियो चौकसी के साथ परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने और उसका अनुकरण करें, बस हमारे जीवन में सफलता परमेश्वर देता है। इस वचन की भरपूरी का आज कलीसिया में और हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है। द प्रिसेप्ट्स इन द गार्डन, उस वाटिका में परमेश्वर का वचन। इसलिए जब इसका महत्व यदि आप जानना चाहते हैं तो दूसरा तिमोथियुस की पत्री और उसका 3रा अध्याय उसके
16 और 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका और अधिक महत्व बताते वक्त प्रेरित पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, 2 तिमोथी 3:16-17, दूसरा तिमोथियस 3:16-17 लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से, और ये चार बातों के लिए लाभदायक है। नंबर 1 उपदेश के लिए, 2 समझाने के लिए, 3 सुधारने के लिए, 4 धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड इट्स प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग व्हिच मींस डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइटियसनेस दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कंप्लीट एंड इक्विप फॉर एवरी गुड वर्क। ये परमेश्वर के वचन का देने का उद्देश्य है, चाहे हम पढ़े चाहे हम सुने, हमें हमेशा देखना है, चाहे हम प्रचार करें, चार में से एक बात निश्चित उसमें होना चाहिए। कौन सी चार बातें? सबसे पहले कहा गया है ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, 1 वो उपदेश के लिए लाभदायक है। उपदेश के लिए लाभदायक मतलब क्या? जब हम उपदेश मतलब जब हम सही होते हैं। वह दूसरी बात समझाने के लिए लाभदायक है, मतलब क्या? जब हम सही नहीं होते हैं, यह हमें समझाने के लिए लाभदायक है। जब हमें सही कैसा होना जानना है तो यह हमारे सुधारने के लिए लाभदायक है, और सही कैसे रहना, सही कैसे ठहरना, यह समझने के लिए, हमारी धार्मिकता की शिक्षा के लिए यह दिया हुआ है। द वर्ड ऑफ गॉड इज गिवन टू अस फॉर डॉक्ट्रिन विच मीन्स वेन यू आर राइट, इट्स गिवन फॉर आवर रिप्रूफ when we are not right, it's given for our correction, how to get right, and it's given for training in righteousness, which means how to stay right. हमें सही रखने के लिए, सही आगे बढ़ने के लिए, मेरे प्रियो, इन चार उद्देश्यों से यह पवित्र शास्त्र हमें दिया हुआ है। इसको सिरोने रखने से केवल काम नहीं होगा, इसको केवल हाथ में पकड़ने से काम नहीं बनेगा, मेरे प्रियो, इसे खोलना है, घुटनों के बल लाकर प्रभु से इतना ही कहे, प्रभु मैं तो अनजान हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, यद्यपि तू अपनी आत्मा के द्वारा जो प्रेरित किया है, आत्मा के द्वारा मुझे समझने की सहायता ना करे, प्रभु मैं तेरा वचन कभी समझ नहीं पाऊँगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, अपना हियाव ना छोड़े, अपना मन कच्चा ना करे, अपना दिल दुखी ना होने दे, इन सारी बातों को हमें बदलने के लिए, सहायता करने के लिए ये परमेश्वर का वचन कितने आशीष का कारण होने के लिए हमारे लिए दिया हुआ है। इन्हीं बातों को हम प्रेरितों का काम 2:41-42 में भी पढ़ते हैं। यही बात उन पूर्व की कलेसिया को, प्रारंभ की कलेसिया को, पहली कलेसिया को वचन की शिक्षा के आधार पर होने के कारण हम मजबूत कलेसिया करके देखते हैं। आपका जीवन मजबूत होना है, प्रभु की आशीषें पाना है, बस आज से एक निर्णय करें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं बाइबल पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। हम परिवार में पारिवारिक वेदी को रखेंगे, पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनेंगे, सुनाएंगे और इसका जिक्र करेंगे, इसको हमारे घर में लटकाएंगे, हमारे मन में इसको ठान लेंगे। क्यों? क्योंकि तेरा वचन मैंने अपने हृदय में रखा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप न कर पाऊं। ये वचन को याद करेंगे, वचन को घर में रखेंगे, गीत को हम सुनेंगे, वचन सुनने के लिए कलेसिया में जाएंगे, वहां पर इस वचन की भरपूरी का अनुभव जब होता है। इस पवित्र शास्त्र का मतलब पवित्र शास्त्र में ही हमें कितने बार बताया हुआ है। पिछले बार एक संदेश में इसके 10 रूपकों को हमने एक बार बताया था, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार दोहरा कर आगे जाता हूं। क्योंकि वाटिका में परमेश्वर ने अपने वाणी से आदम को आज्ञा दी, यदि आज्ञा को माने तो जीवन है, आज्ञा को न माने तो मृत्यु है। जीवन और मृत्यु के बीच में परमेश्वर का वचन है। आज क्या हम मानने वालों में से है? क्यों मानने की जरूरत है? ताकि ना केवल सफलता हमें प्राप्त हो, आशीष हमें मिले और परमेश्वर की ओर से इन सारी बातों में उसके मार्गदर्शन का अनुभव हम कर पाए, अपने जीवन के भरपूरी का आनंद लेने के लिए। याद रखना, इब्रानी की किताब 4:12-13 में लिखा हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्वॉर्ड दैट पियर्सेस, ये एक दुधारी तलवार सा है जो छेदता है। याकूब की पत्री 1:23 में लिखा हुआ है, एक दर्पण सा है जो
दिखाता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 23वें पद में बताया है, एक बीज सा है जो बहुत फल लाता है। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, एक दूध सा है जो हमें बढ़ाता है। भजन संहिता 119:105 में लिखा हुआ है, वचन एक दीपक सा है जो उजियाला देता है। यिर्मयाह 23:29 में लिखा हुआ है, ये वचन एक आग सा है जो भस्म कर देता है। उसी पद में ये वचन एक हथौड़े सा है जो फोड़ डालता है। मत्ती 4:4 में लिखा है, एक रोटी सा जो जीवित रखता है। और इफिसियों की पत्री 5:26 में लिखा है, एक पानी सा जो हमें शुद्ध और साफ करता है। भजन संहिता 119:103 में लिखा हुआ है, एक मधुसा जो मीठा करता है। मेरे प्रियो, इतने सारे गुण ये पवित्र शास्त्र बाइबल में है। यदि बाइबल है और बंद है, बाइबल है और पढ़ते नहीं हैं, बाइबल है और सुनते नहीं हैं, बाइबल है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो ये सारे उसके काम आपके मेरे जीवन में कैसे हो पाएंगे? सुनिएगा, इट्स अ स्वॉर्ड दैट पियर्सेस, इट्स अ मिरर दैट रिवील्स, इट्स अ सीड दैट रिप्रोड्यूसेस, इट्स अ मिल्क दैट नरिशेस, इट्स अ लाइट दैट शाइन्स, इट्स अ फायर दैट कंज्यूम्स, इट्स अ हैमर दैट शैटर्स, इट्स अ ब्रेड दैट सस्टेन्स, इट्स अ वाटर दैट क्लेंजेस, एंड इट्स अ हनी दैट स्वीटन्स आवर लाइफ। क्या आप अपने जीवन में उस मधुरता का अनुभव को चाहते, परमेश्वर के मार्गदर्शन का अनुभव लेना चाहते? मेरे प्रियो, उस वाटिका में परमेश्वर ने अपने वचन से मनुष्य के सामने आज्ञा दी। आज कलेसिया में भी प्रभु अपने वचन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, याद रखना, जो बोलता है मनुष्य के तौर तरीके के आधार पर उसको उसका असर कभी कम नहीं होने देना। जो कोई बोले लेकिन वचन जरूर हाथ में अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर जाए। इन दिनों में बाइबल न ले जाते हुए कितने तो अपने हाथ में मोबाइल में या किसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर जाते। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ऐसा कभी पवित्र शास्त्र को छोड़कर स्थानीय कलेसिया में इन चीज़ों को लेकर न जाए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कहना क्या है मालूम है मेरे प्रियो? यदि आप मोबाइल लेकर जाए, मोबाइल में अपना बाइबल वहाँ पर देखना, सुनना, पढ़ना चाहेंगे, तो यदि उसी मोबाइल में जो सारी बाकी चीज़ें रखी हुई है उसमें से कुछ SMS आए, कुछ WhatsApp मैसेज आए, कुछ अलग ऐसे हमारा मन करे और इधर उधर हम जा सकते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा एक पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है जिसको छोड़कर हम इधर उधर कभी नहीं जा सकते। लेकिन कोई भी चीज यदि हमारे पास में है, उसके साथ बाइबल भी है, तो याद रखना यह हमारे लिए धोखे का कारण हो सकता है। आज इस सारे गैजेट्स के कारण कितने परिवार में दुख आया है, तकलीफ आई है। ये सारी चीज़ें अच्छी है यदि हम उसका उपयोग सही ढंग से करें तो, लेकिन इसको कभी भी अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को रिप्लेस नहीं करने देना, अदला बदल नहीं करने देना। इसको हमेशा अपने पास रखें। यदि आपके पास बाइबल की प्रत नहीं है तो ज़रूर एक प्रत आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए हासिल करना, इसको खोलना, घुटनों के बल आकर पढ़ना, प्रभु से कहना तो मुझसे बातचीत कर। आज भी आपसे सच कहता हूँ, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं, किसी बाइबल स्कूल में या सेमिनरी में जाके इन चीज़ों को नहीं सीखा हूँ, मैं भी आपके जैसा एक आम आदमी हूँ, लेकिन घुटनों के बल लाकर प्रभु ने किए हुए काम की महत्वता को समझकर मैंने इतना ही प्रार्थना किया। याकूब की पत्री 1:5 के अनुसार, हे प्रभु मैं इस ज्ञान से परे हूँ, मैं तेरी से विनती करता हूँ तुम मुझसे बातचीत कर। मेरे प्रियो, प्रभु बात करना चाहता है। अक्सर जानते हैं हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मुँह चलता है और हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन उसके जवाब में परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहते, लेकिन हम केवल प्रार्थना ही करते रहे तो मानो हम परमेश्वर के मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं, अब तू मत बोल, मेरी ही बोली तू सुन, ऐसे कैसे होगा? वचन में ही लिखा हुआ है, जो मेरी वाणी, मेरा वचन सुनने से इनकार करता है उसकी प्रार्थना भी मेरे सामने घृणित होती है। आप सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना दुआ प्रभु नहीं सुनता, क्योंकि हम उनकी आवाज़, वाणी, वचन, सिद्धांत, उनके सीख सबक हमारे भलाई के लिए जो दिया हुआ है वो नहीं सुनते। आज एक निर्णय करेंगे, वाटिका में परमेश्वर का वचन, द प्रिसेप्ट्स इन द गार्डन, वैसे कलेसिया में वो हो, इसलिए हमारे परिवार में वो हो,
और हमारे जीवन में हो। ये वचन आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये हमें मार्गदर्शन करके इन सारी चीज़ों का अनुभव देगा। प्रभु ये समझने के लिए आपकी सहायता करे। इन सात बातों को जो हमने देखा, एक कलेसिया और एक वाटिका, इसके संबंध में कृपया अपने जीवन में लागू करें, ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में, परिवार में हमेशा बनी रहे। जीवन हो तो इस प्रकार से कितना भला होता। कुरिन्थ के विश्वासियों को ये सारा सुनकर कितना आशीष आनंद मिला होगा, वो आपके मेरे जीवन का भी अनुभव हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। निराश नहीं होना मेरे भाई, आज अपना जीवन यीशु मसीह को देकर उनके वचनों के आधार पर चले। प्रभु आपको निश्चित आशीष देवे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता: जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 02222422482। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।